देखिए, आप लोग जिस मकसद से आए हैं कि जस्टिस होना चाहिए, सरकार अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, उस परिवार को हमने कल कई न्यूज़ डिबेट में भी सुनने का काम किया, उनके परिवार वालों को हम भरोसा दिलाते हैं कि उनके साथ न्याय होगा और जो दोषी हैं उन पे हम लोग कड़ी से कड़ी सजा का हम लोग काम करेंगे कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसको आगे जो केस होगा इसको और मजबूत किया जाएगा और जो दोषी हैं उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। मैंने साफ साफ तौर पे कल भी कहा था कि दो चीज़ें हैं, एक ये इंसिडेंट हुआ जिसका हमको दुख है और इस पे सरकार ने, पुलिस ने ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है और दोषियों को पकड़ने का काम किया है और उनकी चार्जशीट भी जल्दी से जल्दी होने की बात आई है। जल्द से जल्द उसकी चार्जशीट हो, जल्द से जल्द उनको न्याय मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। दूसरी बात ये है कि दो बातें थी, एक तो ये बात था, इंसिडेंट था, दूसरी कई लोग जो सो कॉल्ड वन ऑफ द सेक्शन इन मीडिया ऑल्सो इस इशू को उठाने का काम कर रहे थे कि भाई बिहार में जंगल राज है, अभी से नहीं, बहुत पहले से, और हर बार सिर्फ बिहार को लेकर के जंगल राज की बात आती है। तो उस संदर्भ में हमने कहा था, सिर्फ पठानकोट का ही हमने जिक्र नहीं किया था, हमने झारखंड का भी जिक्र किया था, मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाले का भी हमने जिक्र किया था। और जो लोग जंगल राज का आरोप लगाते हैं तो हमने बोला था उसको डिफाइन कीजिए, जंगल राज आखिर क्या है? या तो ऐसी घटना सिर्फ बिहार में होती है और पूरे देश में नहीं होती है। तो ये चीज़ें हैं जो घटना हुई है, इसकी हम निंदा करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो हमने बार बार कहा। और जो घटनाएं जो और दूसरे प्रदेशों में होती हैं तो वहाँ लोग जंगल राज की बात क्यों नहीं करते? हमने तो यही कहा कि सिर्फ बिहार में ही इंसिडेंट को जंगल राज का क्यों रंग रूप दिया? जस्टिस विल बी डन एंड पुलिस हैड सर, इट्स अनबिलीवेबल दैट पुलिस डिड नॉट नो वेयर इज इशुएशी। ठीक है, बार बार आप लोग एक ही बात कर रहे हैं, पुलिस और कानून को अपना काम करने दीजिए।